प्रस्तुत कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है। कवि ने संसार के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत किए हैं, आइए देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग के माध्यम से होगा। सम से इन आइस, कुछ का कहना है कि इसका अंत जो है वो बर्फ संसार करेगा। फ्रॉम भाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, किंतु कवि को अग्नि के समान मानता है। कवि जो है वो इच्छा को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा यानी तृष्णा जो है व्यक्ति के मन की तृष्णा संसार के अंत का कारण बनेगी। दूसरा पैरा जहाँ से प्रारंभ होता है, दूसरे पैरा में कवि के माध्यम से बताया गया है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस, कवि कहता है कि जो तृष्णा है वो अग्नि की प्रतीक है, बट इट इज हैड टू पेरिस ट्विस, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कवि कहता है कि जो भी तृष्णा है अग्नि की प्रतीक है वो क्या करेगी, संसार का अंत करेगी, अर्थात घृणा जो कि बर्फ का प्रतीक है वह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तृष्णा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। कवि कह रहा है कि टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस, जो भी उसने वर्णन किया है उस वर्ब का, इज आल्सो ग्रेट, मतलब अपने में महान है, ग्रेट एंड वुड सफाइस, और वो अपने में पर्याप्त भी है, किंतु ये क्या करेगी, ये तृष्णा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर देगी। यानी कवि का आशय दोनों चीज़ों के लिए लगाया गया है कि वो चाहे फायर हो या फिर आइस हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो संसार को नष्ट कर सकती हैं।